दार्जिलिंग में रंगापानी इलाके में सुबह 8:35 पर रेल दुर्घटना हुई और कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें गार्ड कोच, पार्सल के दो कोच और जनरल कोच भी क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 3 रेलकर्मी हैं, जबकि 5 यात्रियों के मरने की खबर है। मौके पर बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सा सहायता युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक बचाव कार्य पूरा हो चुका है। आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई, और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है NJP से घटनास्थल, तो रेलवे के ADRM और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, और NDRF, आर्मी, एवरीबॉडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जाने गई हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, NFR जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, NDRF और SDRF मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। तो रेल मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एक दुखद दुर्घटना, और दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्टा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के लिए, पूरी घटना की जानकारी के लिए। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ जानकारी आप वहां से देना चाहेंगे। राहत कार्य वहां पर पूरा हो चुका है? राहत कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है, और जो बोगियां ठीक थी, जो पैसेंजर बिल्कुल सेफ सुरक्षित थे, उनको दूसरे इंजन लगा करके उनको सियालदा की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है, और रेस्क्यू करीब अंतिम दौर पे है। अब यहाँ से करीब 3 घंटा का और समय लगेगा, क्योंकि जो पटरी के ऊपर में बोगियां गिरी है उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, और अभी तक जो आंकड़े हैं करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 25 से 30 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, और अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए ऑलरेडी हाई अलर्ट पे रख दिया गया था, और रेस्क्यू में NDRF, SDRF और स्टेट की मशीनरी और केंद्र सरकार और रेलवे की टीम काम कर रही है। मैं भी सवेरे से स्पॉट पे हूँ, और अभी हम रेस्क्यू करीब करीब अंतिम दौर पे मान सकते हैं। राजू जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है, और अब तक इस बारे में क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट में हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना जो घटी, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो NJP से छूट के सियालदा की तरफ जा रही थी,
पीछे से जो है मालगाड़ी ने आकर टक्कर मारी, और जब टक्कर लगा तो पीछे का गार्ड रूम और दो पार्सल कोचेस थे, इसलिए जो है ये कैजुअल्टी की आंकड़े जो है नहीं तो और बढ़ सकते थे। और जहां तक घायलों का है, उनका अस्पताल नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और जो है प्राइवेट अस्पताल में उनकी पूरी व्यवस्था वहां पे है, और जो भी उनका बेस्ट इलाज हो सकता है वो चल रहा है, यानी सारे प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल सब लोग काम कर रहे हैं। राजू जी, ये भी जानना चाहेंगे, जो लोग घायल हुए हैं और जो लोग इस दुखद दुर्घटना में अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिजन अगर संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें जानकारी मुहैया कराई जा रही है? हाँ हाँ, प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है, प्रशासन ने नंबर भी जो है ऑलरेडी प्रसारण कर दिए हैं। रेल मंत्री भी रवाना हो चुके हैं वहाँ के लिए? रेल मंत्री जी दिल्ली से करीब 1.5 घंटे पहले निकल चुके हैं, अगले घंटे के अंदर में स्पॉट पे पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल, आप वहाँ पर हैं और पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो वहाँ पर जुटा हुआ है, किस तरह से राहत पहुँचाया जाए? देखिए, ये बहुत बहुत सवेरे सवेरे घटना घटी, लेकिन पूरा पीएमओ कार्यालय, स्वयं प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री सवेरे से ही संपर्क बनाए हुए हैं, और सारे अधिकारी और जो रेस्क्यू की टीमें समय पे पहुंच गई थी वो अपना काम कर रहे हैं और रेस्क्यू करीब करीब पूरा होने को है। बहुत शुक्रिया राजू जी पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहाँ पर जो जिस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है वो बताने के लिए, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक अमला है वहाँ पर जुटा हुआ है। रेल मंत्री रवाना हो चुके हैं और राहत और बचाव कार्य करीब करीब वहाँ पर पूरा हो गया। हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। निशांत, राहत और बचाव कार्य जो है वो करीब करीब बता रहे हैं कि पूरा हो चुका है, रेल मंत्री भी रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, किस तरह की ये जो ये दुर्घटना हुई है, क्या कुछ इसके कारण अभी तक पता लग पाए हैं? देखिए, अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हमारी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राथमिक यानी कि प्राइमा फेसी के तौर पर देखा गया है कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसकी गलती नज़र आ रही है, उसने सिग्नल को अवॉइड किया है और जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी इसमें जांच होनी बाकी है। टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। रेल मंत्री जो हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, और साथ ही साथ रेलवे के अधिकारी और तमाम लोगों की यही चिंता है, जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। घायलों की संख्या 25 के आसपास बताई जा रही है और उनका इलाज फिलहाल प्राथमिकता है। और उसके अलावा घटना क्यों हुई है इसकी पूरी तरीके से जांच होगी, और जो इमरजेंसी ट्रेन होती है, जो मेडिकल ट्रेन है, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। रेल मंत्रालय की अगर बात की जाए तो मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि जो अधिकारी थे वो जल्द ही मौके पर पहुंचे और वहां पर जितना रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तेजी से किया जा सकता था उस तेजी से किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस हादसे के बाद से रेलवे के द्वारा तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा अभी भी रेल भवन में वॉर रूम में लगातार रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जो हैं वो स्थिति का जायजा ले रही हैं और किस तरीके से रेस्क्यू होने के बाद से स्थितियों से निपटा जाए, खासकर घायलों को उपचार जल्द से जल्द और बेहतर दिलाया जाए, इस पर फिलहाल सभी का फोकस नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपसे निशांत ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि वॉर रूम में लगातार स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, किस तरह से, क्योंकि जो पूरा ट्रैक वहां पर बढ़ा गया है इससे और भी जो रेलवे हैं उनका परिचालन भी जो है वो प्रभावित हुआ होगा, किस तरह से उसे भी एक दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और कब तक ये काम हो जाएगा इस बारे में भी बताया जा रहा है? रमा, क्या आप अपना सवाल एक बार फिर दोबारा दोहराएंगे? आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो परिचालन व्यवस्था है वो भी वहाँ पर वो भी अस्त व्यस्त हुई है, उसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से, क्या कुछ बताया जा रहा है कि कब तक ये हो जाएगा, और क्या कोई जांच कमेटी भी इस बारे में गठित की जाएगी? देखिए, अभी रेलवे के द्वारा जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज दिलाने की, उसके बाद की तमाम प्रक्रियाएं, चाहे जांच की बात की जाए, चाहे रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से खाली कराने की बात की जाए, फिलहाल स्थितियाँ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अभी वहाँ पर चूंकि घटनास्थल पर जाकर जाँच होनी बाकी है, उसके बाद से ही ट्रैक को जो है वो खाली कराया जाएगा और इस जो परिचालन है वो व्यवस्थित ढंग से
शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा और घटना स्थल पर चूंकि खुद रेलवे मिनिस्टर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काम में बहुत तेजी आएगी। बिल्कुल निशांत, यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एकदम त्वरित गति से काम किया गया तो स्थिति को जो है वो काफी जल्दी संभाल लिया गया। देखिए बिल्कुल, इसमें कहा जाए कि जैसे ही हादसे की खबर आती है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सीधा रेल भवन पहुंचते हैं, वॉर रूम में तमाम बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और वॉर रूम से स्थिति की समीक्षा की जाती है। वहीं अगर ग्राउंड पर बात की जाए तो ग्राउंड पर टीमें भेजी जाती हैं, NDRF SDRF को भेजा जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेजी से चलाया जाता है जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी रेलवे का वाहन है, खासकर मेडिकल वाहन है, उसको घटनास्थल पर रवाना किया जाता है और आसपास के जो पुलिस प्रशासन है उनकी मदद ली जाती है, आम लोगों ने भी वहां पर मदद की है। और अब चूंकि स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज के लिए रेलवे के द्वारा काम किया जा रहा है और खुद रेल मंत्री अब घटना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रेलवे ने अपनी तरफ से त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हादसे के कारण क्या रहे हैं। प्राइमा फेसी लोको पायलट जो मालगाड़ी का है उसकी गलती नजर आ रही है, शायद उसने सिग्नल को अवॉइड किया है, लेकिन अभी चूंकि जांच का विषय है और रेल मंत्रालय ने कहा है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। निशांत आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।